अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुम आरा, एम आई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये हमने डिजाइनर फंदा डालना एक वीडियो में हमने सिखाया है, तो आप तो सीख गए होंगे। और इसके ऊपर से बनाना है जो लेस के टाइप में आपका डिजाइनर फंदा आएगा, तो वो हम किस तरह से बनाते हैं चलिए हम आज इसे सीखते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, इसे हम डालने के बाद पहले एक सलाई सीधा इस तरफ से उल्टा बना लिया है। तो देखिए इसे हम किस तरह से बनाते हैं, ये फंदा हम उतारेंगे। तो देखिए इसे हम सीधा बुन लेते हैं एक फंदा, फिर इसे भी बुन लेंगे और इसे भी बुन लेंगे और फिर इसको इसमें हम ले लेंगे और इसके पास से एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये आठ, और आठ फंदा इसमें ले लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ पे हम इस और इसे इस तरह से फिर से हम बुन लेंगे। सॉरी, सबसे पहले हमें यहाँ पे पांच फंदा बनाना होगा, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। उसके बाद ये वाला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे, फिर एक, दो, तीन फंदा बुनेंगे और ये वाला फंदा इसमें ले लेंगे और फिर उसी तरह से आठ फंदा इसमें हम पार करेंगे। ये देखिए, दो हो गया, तीन, चार और ये पांच, छः, सात और ये आठ और इसे इस तरह से कर दीजिएगा ताकि ये बराबर में आ जाए। उसके बाद फिर इसमें एक, दो, तीन, चार और ये पांच और फिर इसे इस तरह से बुनेंगे, फिर एक और ये दो, ये दो है जो इसको हम गैप दे रहे हैं और ये तीसरा जो इसमें हम फंदा डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे तीन फंदा बुनते हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं उल्टे की तरफ से किस तरह से बनाना है, इस तरह से पांच फंदा, एक, दो, तीन, चार और ये पांच और इसे भी बुन लेंगे। इस तरह से फिर एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः,
सात आठ और इसे एक दो तीन चार और ये पांच। तो देखिए ये किस तरह से आ रहा है, ये कंगूरा जैसा नीचे में डिजाइनर फंदा। आप किसी भी लेडीज स्वेटर में ये डालिए या बच्चे का स्वेटर में डालिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। या फ्रॉक के नीचे के हिस्से में डालिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखिए ये यहाँ तक आ गया है और हम उल्टे की तरफ से हैं। और ये देखिए मेरा एक फंदा ज़्यादा है तो हमने इसी में ऐड कर दिया है। तो इसे हम इस तरह से बुन लेते हैं, एक दो तीन और ये चार। और ये जो फंदा हमने पांच फंदा बढ़ाया है तो इस तरह से एक फंदा बुनेंगे और इसे हम खोल देंगे। ये देखिए खोलने के बाद देखिए आपको इस तरह से सिलाई लेना है और इसमें से इस तरह से बुनना है। फिर इस तरह से लीजिए और इस तरह से बुन दीजिए। ये देखिए तीन फंदा हो गया। फिर इस तरह से लीजिए और इस तरह से बुन दीजिए, चार हो गया। फिर इस तरह से लीजिए, आपको घुमा घुमा के इस फंदे से बनाना है। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, ये छः और ये सात, एक दो तीन चार पांच छः सात, एक और बच गया है। तो इसे भी इस तरह से बना लेते हैं। देखिए आठ हो गया। और फिर यहाँ का आपका यहाँ पे आठ फंदा जो घटाया गया था, आपका यहाँ पे आठ फंदा पूरा कंप्लीट हो गया है, कोई फंदा घटा नहीं है। तो देखिए एक और ये दो, दो फंदा इसमें का है तो हम दो फंदा बुन लिए हैं और इसे हम खोल देंगे। ये देखिए खोलने के बाद देखिए हम सलाई से उठाते हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ। ये देखिए आपका कंगूरा कंप्लीट है।
इस तरह से दिखने में आएगा और इसे हम पूरा सिलाई इसी तरह से बना के फिर आपको दिखाते हैं ये घुंघरू किस टाइप का लगेगा बनाने के बाद। तो देखिए ये डिजाइनर फंदा किस तरह से लग रहा है, आप फ्रॉक में एक बार ट्राई कीजिए और देखिए बनाने में कितना आसान है। और फंदा जो बढ़ाने का तरीका है वो आप चाहे तो और भी तरीका है, हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। तो देखिए हम इसके ऊपर से बॉर्डर बताएंगे, वो वाला वीडियो दूसरा बनेगा। और इसे हम पहले इस तरह से एक दो सिलाई बुनने के बाद ही उसमें वीडियो अपलोड करेंगे। इस तरह से बुन लीजिए। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। और ये डिजाइनर फंदा आप फ्रॉक में ज्यादा से ज्यादा लेडीज स्वेटर या बच्चे का स्वेटर में ये बुन सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इसी तरह से ये पूरा बुन के आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।